तुला राशि वालों नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरोगी होंगे। तुला राशि वालों, कुंडली का लिखा कोई नहीं बदल सकता, चाहे कोई लाख भी प्रयास कर ले, लेकिन तुला राशि वालों होगा वही जो राम रची रखा है। जी हाँ तुला राशि वालों, जिस समय का आपको कई वर्षों से इंतजार था, वो समय अब आपका बहुत करीब आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजकुमार सूर्यदेव जी करेंगे बहुत बड़ा उलटफेर। आने वाले अगले 24 घंटे में पूरे गली मोहल्ले में हड़कंप मचेगा। जी हाँ तुला राशि वालों, और सोने से भी तेज चमकेगी आपकी किस्मत। देखने वाले भी अपना होश खो बैठेंगे और कहेंगे, अरे वाह, इनकी क्या नसीब है, काश सबकी किस्मत ऐसी होती प्रभु। क्योंकि तुला राशि वालों, अंतरिक्ष के जो ग्रह गोचर हैं, उसने अपनी चाल को कई हद तक बदल चुके हैं, जिसका असर आपके सभी क्षेत्रों में पड़ने वाले हैं। जैसे कि तुला राशि वालों, आपके व्यापार में, नौकरी में, परिवार में, विद्यार्थियों में, स्वास्थ्य में, प्रेमी व शादीशुदा जोड़ों में, बेरोजगार लोगों में, आपके रोजी रोजगार में, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे उलटफेर होने वाले हैं। जी हाँ तुला राशि वालों, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाले हैं। लेकिन तुला राशि वालों, सभी बदलाव आपके लिए लाभकारी नहीं होंगे। इनमें से कौन से बदलाव आपके लिए लाभकारी होंगे, कौन से बदलाव लाभकारी नहीं होंगे, कौन से नुकसानदायक होंगे, इन सभी के ऊपर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और आने वाले अगले 24 घंटे की संपूर्ण राशिफल 100% सटीक बताएंगे। थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। लेकिन उससे पहले भगवान सूर्यदेव जी के जो भी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, ओम जय सूर्यदेव महाराज लिखेगा, उन्हें भगवान सूर्यदेव महाराज माला माल कर देंगे। तो प्रेम से बोलिए जय सूर्यदेव महाराज। तो चलिए तुला राशि वालों, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपकी कुंडली में क्या क्या लिखा है और आने वाले अगले 24 घंटे में आपको क्या क्या मिलेगा। तुला राशि वालों, आने वाले अगले 24 घंटे भाग्य का अच्छा खासा साथ मिलेगा। रुका हुआ पैसा मिलने से मन काफी प्रसन्न रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्रोध नहीं करना है। जी हाँ, क्योंकि आपको क्रोध बहुत ज्यादा आता है। जैसे ही आप क्रोध करेंगे, आपके मुख से ऐसी वाणी निकलेगी और आपके बनते कार्य बिगड़ने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इतना ध्यान रखना है, गुस्सा क्रोध नहीं करना है। आने वाले अगले 24 घंटे में नए बिजनेस एग्रीमेंट होंगे और उसमें आपको लाभ भी मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी निगरानी रखना बहुत जरूरी है। नौकरी पेशा लोग धैर्य रखें, इस समय आपके ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा, लेकिन काम के अनुसार लाभ भी होगा, जिससे मन काफी प्रसन्न रहेगा। कहीं पैसा अटका हुआ था तो आज उसकी वापसी उम्मीद है। जी हाँ, समय बहुत अच्छा है, आपके धन धान्य में वृद्धि लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, कैरियर में प्रमोशन मिल सकता है। अगर बहुत दिनों से आपके मन में नौकरी बदलने के बारे में या फिर कोई काम कर रहे हैं बदलने के बारे में कोई चाहत थी, तो आपका वह चाहत, आपका वह सपना पूरा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं आज आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। हालांकि आपका उद्देश्य अच्छा है, परंतु आपकी बातों का हर स्थान पर स्वागत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं होगा, लेकिन आपका उद्देश्य, आपका सपना बहुत अच्छा है। आपको अपनी प्रवृत्ति का उपयोग अपने आप को खुशी देने के लिए भी करना चाहिए। और आज आप अपने ऊपर अच्छी खासी रकम खर्च कर सकती हैं, रुपया पैसा खर्च कर सकती हैं। जहां तक दूसरों के बारे में आपकी राय का सवाल है, अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, क्योंकि आपके कार्यकलापों को भी गलत समझा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा आपको सावधान और सतर्क रहना होगा। देखिए दोस्तों, आज के माहौल में ही
प्यार भरा हुआ है और अपने पार्टनर के लिए कोई विशेष योजना बनाकर उन्हें सरप्राइज दे सकती हैं, कोई गिफ्ट दे सकती हैं आज के दिन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी संबंध में हैं, किसी रिलेशन में हैं, तो यह सबसे अच्छा समय है, बहुत अच्छा दिन है जब आपको अपने संबंध का शुरुआती जादू वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए शायद दोस्तों के साथ वाइल्ड पार्टी की जगह अपने पार्टनर के साथ कुछ एकांत और अंतरंग समय बिताना अधिक अच्छा रहेगा। जो लोग अकेले हैं, सिंगल हैं, उनकी मुलाकात अपने होने वाले साथी हो सकती है, उनकी पार्टनर से हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि भाग्य अभी बहुत ही अच्छा है, ग्रह गोचर इन कामों के लिए बहुत ही बढ़िया सपोर्ट कर रही है। एक प्रकार से यूं कहें तो लव लाइफ के लिए समय बहुत ही अच्छा है। आज का दिन अपने सभी लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए एकदम सही समय है। जिन कामों को आप पहले अधूरे छोड़ रखे थे, उन कामों को सबसे पहले करने की कोशिश करें, आपको जरूर लाभ होगा। जी हाँ, और हो सके तो आप दोपहर के पहले से ही इन कामों को करने की कोशिश करें तो आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप किन्हीं बाहरी कारणों के साथ समय पर अपना काम नहीं खत्म कर पाए हैं, इसलिए आपको शीघ्रता दिखानी होगी, कामों में थोड़ी सी आपको तेज दिखानी होगी, क्योंकि आपका काफी कार्य लंबित है। आज नई प्रतिबद्धताओं का दबाव कम होगा, इसलिए आप अपनी पुरानी प्रतिबद्धताओं को समय पर खत्म कर पाएंगे और इन्हीं सभी कार्यों को पूरा करने के बाद आराम करने के लिए आपको पर्याप्त समय भी मिलेगा और आनंद भी, क्योंकि आपने अपने सारे लंबित कार्यों को समय पर पूरा कर लिया है, अब आपको इसका लाभ उठाने का समय है। जी हाँ दोस्तों, बता दें आज आपका नाम होगा और आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी, क्योंकि दोस्तों आज आप शतर के स्थान पर अपने दिल की आवाज और प्रवृत्ति के आधार पर फैसले ले सकती हैं, लेकिन वे भी वेद के मामले में लाभकारी ही साबित होंगी। जी हाँ दोस्तों, आप इन दोनों फैसले में सबसे अधिक महत्ता अपने मन की आवाज को देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको भविष्य की बेहतरीन के लिए वर्तमान समय में कुछ आरामों को छोड़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ यूनिक नया करना चाहती हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये धीरे धीरे आपको अपाहिज बना रही है, धीरे धीरे आपको यूं कहें तो बर्बाद भी कर रही है, लेकिन आप अभी तक अंजाम हैं। जी हाँ दोस्तों, इन बातों से आप अभी तक अनजान हैं, अगर ऐसे ही कुछ दिन और चलता रहा तो ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो सकती है। जी हाँ, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आराम को छोड़ना पड़ेगा और आपको कुछ रिस्की वाला काम करना होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं लालच आज आपके रास्ते में दिखाई देगा, लेकिन आवश्यक है कि आप सही मार्ग पर चलें, गलत और छोटे रास्ते अंत में आपके करियर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही रास्ता चुनाव करना इतना आसान नहीं होगा, और ये तभी हो सकता है जब आप लालच को अपने मन में हावी न होने देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने यह भी नहीं कर सकते तो एक सच्चे शुभ चिंतकों की सहायता जरूर ले सकते हैं, जो लोग आपको मजबूत रहने में मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जो हमेशा तक चलता है वो आसानी से नहीं मिलता है, और जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं चलता है, इसलिए दोस्तों आपको परिश्रम, आपको मेहनत तो करना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर बातों से आप सहमत हैं, इन बातों को आप समझ पाए होंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।